गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स के नाम से। सेट से पहले हम पढ़ेंगे कि कलेक्शन क्या होती है, उसके बाद वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड आफ्टर दैट सेट्स। सबसे पहले तो हम अपनी निजी जीवन में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं हम, कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी हुई, कुछ लोगों का झुंड हुआ, क्रिकेट टीम हुई, इस तरह से। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स चाहे कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, अगर उनको हम कलेक्ट करके इकट्ठा कर लें तो वो कलेक्शन होती है हमारी कलेक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ नंबर पिक किए 13579, तो ये इनको इकट्ठा कर लिया तो ये कलेक्शन होगी। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगी, जब हम ये बता दें कि कोई स्पेसिफिक जो नंबर है या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है वो इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो वो होगी वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जितनी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी उनको हम सेट का नाम देंगे, वो क्या कहलाएंगी, सेट कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि सेट क्या हुआ, सेट हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी उनको हम किसका नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे सेट का, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ वोवल ले लिए ए ई आई ओ यू, तो ये जो कलेक्शन होगी ए ई आई ओ यू ये क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कुछ नया अल्फ़ाबेट दिया जेड, तो आप बता सकते हैं कि ये जेड जो है गिवन कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो जब आप बता सकें कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो उस सेंस में उसको हम सेट का वेल डिफाइंड नाम दे देंगे, और जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी उसको हम सेट बोल देंगे। अब सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, मान लीजिए कोई सेट है तो उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड एक तरीका होता है, एक तो जो कैपिटल अल्फाबेट होता है उससे उसको नाम दिया जाता है कि सेट ए, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ये जो ब्रैकेट्स है ये वाली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड भी जो है वो दो मेथड हैं आपके, पहला जो है रोस्टर फॉर्म है और जिसको हम टेबुलेशन फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देखिए क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में अगर हमें सपोज़ कीजिए कि कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4, तो ये जो नंबर होंगे 1 2 3 4 इनको हम जो नाम दे देंगे 1 2 3 4, ये कॉमा से सेपरेट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे सेट ए। ठीक है, अब क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को लिख देना, उनकी टेबुलेशन कर देना, लिस्टिंग कर देना और उनको अलग अलग कर देना कॉमा से टेबुलेट कर देना, तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म। दूसरा तरीका जो है, ऐसी कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ वॉवल्स हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ वॉवल्स के लिए ए ई आई ओ यू, ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये तरीका हुआ, इसको नाम आप बिग लेटर से देंगे, बी सी कोई भी सी एक सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक, अब सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी लिया कि हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक तरह से प्रॉपर्टी मेथड होता है। आपने अभी 4 एलिमेंट्स लिए थे 1 2 3 4, अगर मान लीजिए मैं काफ़ी सारे एलिमेंट लेता कि 1 से लेके 1000 तक या और इससे भी ज़्यादा,
तो उस सेंस में हम सारे एलिमेंट्स लिखने की बजाय इसको एक प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। और वो डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट लिए, तो इसको लिखने का मेथड ये होता है, ये कलेक्शन का साइन हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, ये जो दो बिंदु लगा दिए ये सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर था, एक्स बिलोंग्स टू एन, ये जो ई वाला साइन है ना, ये ई इस तरह से, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, कि एक्स किस में है, प्राकृतिक संख्या में है, नेचुरल नंबर में। और एक्स क्या था, एक्स था 1 से लेके 4 तक, इसको लिखेंगे 1 एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन बाई, या तो 5 लिख दीजिए कि 5 से छोटा, यहाँ आगे 5 लिख दीजिए 5, या एक तरीका और है क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज 1 और ग्रेटर देन बाई 1 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, कि एक्स क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो 1 से शुरू होते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और 4 तक जाते हैं। अब मान लीजिए इसमें 4 ना होता, 3 तक होता, तो हम ये जो है इक्वल टू का साइन हटा देते, ठीक है। तो ये जो तरीका हुआ, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं, हम इसमें डेफिनेशन दे देते हैं। अब जैसे ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइज 42, तो ये आ गया 1 2 3 6 7 14 21 42, ये तो रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसी को इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है, इसमें नहीं लिख रखा, कोई बात नहीं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ वोवल्स, ये लिख दिया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ये हो गया 1 3 5। इसी प्रकार से जैसे सेट ऑफ वोवल्स जो है ये वाला ए ई आई ओ यू, इन्होंने देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई, इसमें सारे आ गए कि ए ई आई ओ यू, ये पांचों के पांचों अल्फाबेट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर सेट विच कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 8 9, अब ये तो रोस्टर फॉर्म हुई। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है, देखो या तो ऐसे लिख दीजिए एक्स इज नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू एन, बात एक ही, एन फॉर नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, 4 से शुरू था, या तो यहाँ लिखिए 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लिख दीजिए 3 से बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन बाई 3 एंड लेस देन बाई 10, या तो यूँ लिखिए, या लिखिए 4 के इक्वल एंड 4 से ग्रेटर, 9 के इक्वल और 9 से लेस, ये है, या इस तरीके से लिख दीजिए 3 और 10 के बीच में। तो ये आपकी, देखिए इन्होंने नोटेशन जो दे रखी है ए बी सी, ये सेट को नोटेट करने के लिए है, उसको दर्शाने के लिए है इस प्रकार से। तो ये दो फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आगे हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि किसी वर्ष के वो सारे महीने जो जे लेटर से शुरू होते हैं, ये है जनवरी, और फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, जून, उसके बाद जुलाई। अब हमें ये बताएं आप, क्या ये वेल डिफाइंड है कलेक्शन, अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा। अब क्योंकि ये क्या है, जे लेटर से शुरू होने वाले किसी भी वर्ष के महीनों के नाम हैं। अब आपको मैं कहूँ कि दिसंबर एक मंथ है, तो आप बिल्कुल आराम से बता देंगे कि ये जो दिसंबर है इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता। तो जब हम बता पा रहे हैं ना कि इस कलेक्शन को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो ये वेल डिफाइंड है, और जो भी वेल डिफाइंड है वो क्या है, सेट है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लेखक,
अब भाई टैलेंटेड का कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया यहाँ पे, इन्होंने टैलेंट का कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया। अगर क्राइटेरिया डिफाइन किया होता कि ये क्राइटेरिया ये है कि जिसने ज़्यादा अपनी नॉवेल्स लिखे हो या पोइम्स लिखी हो या कुछ भी ज़्यादा राइटिंग स्किल्स हो तो वो टैलेंटेड है। अब क्योंकि इन्होंने टैलेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया तो मेरे लिए हो सकता है कि टैलेंटेड 10 पीपल वो हो जो किसी और के लिए डिफरेंट हो, ठीक है। तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के 11 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के बैट्समैन। अब बैट्समैन जैसे मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर को पहले नंबर पे रखता हूँ, ऐसे ही दूसरे में मान लो शेन वॉन का रखता हूँ। मेरा एक स्पेसिफिक नज़रिया है कि मैं 10 जो 11 लोग हैं उनको बैट्समैन अच्छा मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से सहमत ना हो। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब हमारी कक्षा के जितने भी लड़के हैं उनकी कलेक्शन। अब हमारी कक्षा में जितने भी लड़के हैं वो स्पेसिफिक है ना। अब जैसे मुझे ले लो तो मैं आपकी क्लास से बिलोंग नहीं करता, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ आपकी क्लास का। तो आप बता पा रहे हैं कि सुनील सर इज़ डज नॉट बिलोंग टू आवर क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब आप बता पा रहे हैं तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इट मीन्स टू से दिस इज़ ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड होगा तो ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन। अब जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं वो तो स्पेसिफिक है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये है या नहीं लिखा, वो तो जो लिखा उन्होंने लिखा है। तो आप कोई भी ऐसी नावल पिक करेंगे जो उन्होंने नहीं लिखा तो आप बता पाएंगे कि इन्होंने नहीं लिखा, या कोई ऐसा नावल उठा लेंगे जैसे गोदान उठा लिया या कोई और नावल उनका स्पेसिफिक उठा लिया तो आप बता सकते हैं कि ये भाई हाँ इन्होंने लिखा है। तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किए ये सेट है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, बाकी दो पार्ट रहेगा आप खुद करना। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कलेक्शन दे रखी है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखिए ये सिंबल मैंने आपको भी बताया था कि ये जो सिंबल है ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू का, और इसको यूँ काट दिया जाए तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 5-A, क्या सेट ए में या कलेक्शन ए में 5 है? आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो डैश है, जो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें क्या आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा बिलोंग टू का। अब 8 इसमें नहीं है तो ये साइन आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये है। अगला है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज -3 और -3 से ग्रेटर एंड 7 से लेस। इंटीजर है, पूर्णांक जिसको आप बोलते हो, एक पूर्ण अंक है। तो इसमें क्या है, -3 से शुरू करके, अब -3 के बाद बड़ा नंबर क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से लेस लेना है। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये क्या, कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सारे ये जो हैं जो एग्जांपल्स दिए हुए हमें, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बाकी आप खुद कीजिएगा, ये 6 पार्ट है। एक बात और, अगर मान लीजिए जैसे ये है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनकी कलेक्शन। तो उनकी कलेक्शन में देखो टी आ गया, कोमा आर आ गया, फिर आई लिख देंगे, फिर जी लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे, फिर से ओ आ गया। तो ओ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी कलेक्शन में, किसी सेट में आप ओ 50 बार लिखो या 1 बार लिखो, वो एक ही बार काउंट होगा। फिर एम लिख देंगे, फिर ई लिख देंगे, फिर टी आ गया, टी लिखा हुआ है पहले या नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है शुरू में तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आर आ गया, ये भी लिखा हुआ है, और फिर क्या लिख देंगे,
वाई लिख देंगे, तो ये कलेक्शन जो है ये टेबुलेशन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, टेबुलेट कर दिया इसको। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म 3, 6, 9, 12। अब ये जो है 3, 6, 9, 12, ये क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, तीन की टेबल है, तीन का पाड़ा है, तीन गुना एक तीन, तीन दूनी छः, तीन तीन और तीन चौके 12। तो इसको हम लिखेंगे वो सारे एलिमेंट्स जो तीन का मल्टीपल है, 3n। और ये n यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना। तो तीन गुना एक तीन, तीन दूनी छः, तीन तीन नौ, तीन चौके 12। n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n जो है ये किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। और क्या गिवन है? और ये गिवन है कि जो n है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, क्योंकि हमने चार ही एलिमेंट लेने हैं, चार तक, चार से कम चार तक, चार से ज़्यादा नहीं लेना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ चार की बजाय ना ये लेस देन वाला साइन लिख दो, इक्वल टू का हटा दो और यहाँ पे आ जाएगा n इज लेस देन बाय 5। n क्या है? 5 से छोटे नेचुरल नंबर, 5 से छोटे कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 4। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है 2, 4, 8। देखिए 2 raised to power 1 = 2, 2 raised to power 2 = 4, 2 raised to power 3 = 8, 2 raised to power 4 = 16, 2 raised to power 5 = 32। तो ये कैसी कलेक्शन है? ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें वो सारे एलिमेंट हैं, वो सारे नंबर्स हैं। कौन कौन से? कि जिसमें जो भी नंबर है वो क्या है? नेचुरल नंबर, 2 raised to power नेचुरल नंबर। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल n, कैपिटल n माने नेचुरल नंबर। अब कहाँ से कहाँ तक है? 5 एलिमेंट है ना, तो n है लेस देन बाय 6। ठीक, 6 से कम ले लीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी ढंग है इसको, आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग लिखिए जैसा आपको अच्छा लगे। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट